क्या है? देखो। अरे वाह, सिल्वर क्या है इसमें? सिल्वर पे सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभा जगुड़ी आ गई फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, हम सब भी ठीक हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करें मैं सुबह के 7:30 बजे से। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और उधर भी बच्चे भी तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। लेकिन बाहर जो है तो बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले बच्चों को भेजती हूँ रेनकोट पहना के, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो जैसे एक बच्चों का टाइम हुआ सुबह सुबह स्कूल जाने का, इतनी भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे अपने लिए रेनकोट, पहले बैग रख रहे फिर पहन, पहले बैग डाल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ने रेनकोट भी डाल दिया है और बैग उसके अंदर। प्रिंस के पापा ने भी रेनकोट डाल रखा है, पैरों पर निकालेगा अभी ये तौलिया। चैन बंद नहीं करी ना इसलिए भीग जाएगा। दोनों पैर के ऊपर डाल दो, बारिश में तो भाई परेशान करके रख दिया। बाय सावन की बारिश आई है, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही बारिश है। तो दोस्तों बच्चे तो गए स्कूल, बाकी यहाँ पे पंडित ने चाय और सुबह सुबह ना बच्चों के साथ में सारे काम होते हैं। फिर ने बोला मुझे मैगी खानी है, फिर एक ने मैगी बनाई और प्रिंस के स्कूल में कि उसको सिर्फ रोटी सब्जी देनी है, उसको रोटी सब्जी बनाई। दिव्यांश ने बोला मुझे पराठे चाहिए, तो उसके लिए पराठे बनाए। भाई सुबह सुबह तो हालत ख़राब हो जाती है बच्चों के साथ, तीन है, तीनों की अलग अलग डिमांड। तो अब जाके हम चैन से चाय पियेंगे, अब बच्चे गए तब आराम से बैठ के पहले चाय पीते हैं, उसके बाद करते हैं घर का बाकी काम। तो दोस्तों हमारा नाश्ता पानी तो निपट चुका है, बाकी यहाँ पर दिन के लिए जो तो मैंने दाल भिगो के रख दिए। तो आज मैंने भिगो रखे हैं छोले, तो थोड़ी देर ही भीगेंगे उसके बाद बनाऊंगी आज। आज हमारे दिन में बनने वाले हैं छोले चावल, अब मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे जो है तो मेरा खाना बन चुका है, इसमें चावल और इसमें है दाल। तो अब खाली दाल छौंका लगानी है, बाकी चावल भी बन चुके हैं और यहाँ पर मशीन भी हो चुकी है बंद, कपड़े धुल चुके हैं। हाँ आ रही हूँ, आवाज़ आ रही है, पीरे बुला रही होगी पापा जी। अच्छा। खुदा यहाँ पे साजी बैठे क्या है? देखो। अरे वाह, सिल्वर क्या है इसमें? सिल्वर पे हाँ। सिल्वर बटन आ गया। हाँ। सच में खोलो, ओपनिंग कर अपने हाथों से। तो देखते हैं, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें टाइल्स होगी। टाइल्स टाइल्स की पेटी भी ऐसे होती ना, खोल के देखें। तो आप हम इसे खोल के देखें इसमें आखिर है क्या, ऐसा जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। कुछ मंगा रखा है, तो देखते हैं क्या है। अभी एक और पैकिंग क्या होगा फिर इसमें पता नहीं, लगता कुछ बैटरी वाला रहा है। देख लो खोल लो फिर से, यहाँ से ओपनिंग कर रहे हैं, जो भी होगा खोल के देखते हैं। मुझे तो पता नहीं, फिर एक और फिर एक पापा को पता होगा कि क्या है इसमें आके। वाओ ये क्या है, ये तो घड़ी है, हैं? यही तो आपका सिल्वर फ्लोवर है। ये कब मंगवाई? ये हो गया एक हफ्ता। कहाँ से? बहुत दूर से भैया, ये राजस्थान से, जयपुर से। ये फिर देखना अपने पापा के काम कैसे मनवा आपको। इसमें ये देखना हम दोनों की फोटो लगी हुई है, मम्मी के सर में क्या लग रखा है। सर में क्या लग रखा? अच्छी तो है, वो धूप से हो रही थी ना आँख ऐसे उस दिन। ये सेल पड़ेंगे। अरे वाह, ये उन्होंने अपनी तरफ से दिया है, जो कंपनी है उसका नाम है, ठीक है, ये उन्होंने अपनी तरफ से बना के दिया है। नहीं सुनो, तो कैसे है आपके दिमाग में कि ये मंगा लूँ, घर ही बना लूँ? चलो भाई मेरे पास चाय भी गैस में था। साजी भी देख रहे हैं। हम लोग तो सरप्राइज हो गए, साजी और मैं तो सरप्राइज हो गए कि इसमें 12 बज रहे हैं, वैसे 1 बज चुके हैं। अच्छी लग रहे ना? तो सेल का है, सेल लाना है। सेल लगाने, इसमें कौन सी चाबी लगाएंगे? स्कूल के वहाँ गए थे, भानी वाला, भानी वाले की फोटो ये। पहले ये बताओ आपके दिमाग में आया कैसे कि ये मंगा? क्या बात, बड़े छुपे रुस्तम निकल रहा आजकल तो। हमारे पास ना घड़ी नहीं थी, हमारी घड़ी टूट गई, घड़ी होता रही ऊपर कमरे की। अच्छा ऊपर वाली घड़ी, तोड़ी किसने?
इन्होंने ही तोड़ी थी मच्छर मारने के चक्कर में। तो दोस्तों आजकल जो है तो पतिदेव कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था, पता नहीं इन्होंने कब ऑर्डर किया और कब, पर अच्छी है जो भी है, खुद ही इन्होंने फोटो सिलेक्ट करके भेजी है। हैं प्रिया तेरे को कैसा लगा? अच्छी लगी। बस में हमारे ऊपर कमरे वाली घड़ी ना टूट गई थी, तो वहाँ पे आजकल घड़ी थी नहीं, तो सोचा कि ले आएंगे कल परसों तक, विशाल पे जाएंगे, विशाल मेगा मार्ट वहाँ से ले आएंगे। किसमें? बैग में। हाँ बैग में। हाँ प्रिया कह रही है मुझे दे दूँगी, मुझे तो छोटा सा चाबी केस, ये ना उन्होंने अपनी तरफ से दिए, पैसे हमने सिर्फ इसी चीज़ के चुकाए हैं घड़ी के, और ये उन्होंने अपनी तरफ से भेजा है गिफ्ट। अच्छा लग रहा है, और इसको लगाएंगे हम ऊपर अपने वाले बेडरूम में, तो दिखाते हैं आपको घड़ी कहाँ पे लगती है हमारी। चले मैंने प्रिया को भेज दिया दुकान से लाने के लिए, अच्छी लग रही, मन कर रहा देखते रहो कितनी प्यारी है ना। एक चीज़ और है, क्या बात, आज का तो रोमांटिक पे रोमांटिक होते जा रहे हैं। मैंने पहले खोल दिया था, मैंने चेक किया था, मैंने वही परसों मंगाया था, वो भी ऐसे निकला था, पर इसके बारे में ना मुझे पता था, मैंने देख लिया था आपके मोबाइल में इसके बारे में मुझे पता था कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर हो चुका है, तो ये देखिए ये इन्होंने खुद की पसंद से मुझे मीशो से ऑर्डर करके दिया, ये इसकी पैंट और ये इसकी कुर्ती। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा कि ये ना लूज है, अभी इसकी फिटिंग करवानी पड़ेगी मुझे, फिर जाके ये सही होगा। पर वैसे अच्छा है, कलर भी अच्छा है और कपड़ा भी अच्छा है, सिल्क में है, आजकल की मतलब पर नहीं है, कॉटन नहीं है, लेकिन बढ़िया है, अभी एक दो महीने बाद काम आएगा। थैंक यू। आजकल ना मुझे गिफ्ट मिल रहा है, ये सूट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया पैंट वाला है, तो इसका कलर भी मुझे पसंद आया और पतिदेव की पसंद पर भी नाच है, है ना, पसंद वैसे अच्छी है आपकी, बहुत अच्छी पसंद है, सूट के लिए भी और इसके लिए भी, घड़ी के लिए भी। थैंक यू सो मच। तब खिलाती हूँ पतिदेव को छोले चावल, नहीं ये इतना कर रहे हैं तो बदले में कुछ, तब मैं खाना बनाती हूँ, अब बाकी ये सूट दूंगी मैं फिटिंग करने के लिए। वैसे मुझे सूट के बारे में तो पहले से पता था, घड़ी के बारे में पता नहीं था मुझे, सूट का मैंने इनके फ़ोन में देख लिया था कि ऑर्डर कुछ कर रखा है, तो घड़ी के बारे में नहीं था मुझे पता, तो चलो जो भी आया अच्छा आया, बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए हमारी घड़ी यहाँ पे लग चुकी है, और कैसे लग रही है, शाइनिंग कर रही, वैसे दीवार के साथ ना कलर मैच हो रहा है, लाइट खोलो, ओहो अच्छी लग रही, कर दे टाइम सेट, पौने दो, अब ये सुबह सुबह उठेंगे सबसे पहले सामने पे, यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे घड़ी है, सबसे पहले उठ के नज़र वहीं जाएगी, है ना, दो तीन दिन से घड़ी नहीं थी तो देखती थी टाइम क्या हुआ। टेढ़ी हो रही, मुझे तो नहीं लग रही टेढ़ी, सही तो ओके। तो अब स्वामी जी जा रहे हैं प्रिंस को लेने, और दिखाना चाबी, इसमें लगा दी इन्होंने गाड़ी की चाबी, ये देखिए, अरे है बाय। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, और अब लगा रही हूँ मैं मट्ठा में छौका, ही देखे जीरे का छौका, हमारी मट्ठा भी बन के तैयार, छोले भी बन के तैयार, चावल भी बन के तैयार, तब खाना वाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे अब बाद में। हेलो दोस्तों, अब मिल रही मैं आप लोगों को सीधा शाम को, और हमारी शाम की चाय हो चुकी है, बाकी यहाँ पे मैं हो रही इस टाइम तैयार, क्योंकि हम जा रहे हैं अब मार्केट, तो मार्केट भी क्या मतलब विशाल मेगा मार्ट तक जाएंगे, वहाँ से घर का कुछ सामान ख़त्म हो रखा है, वो सामान लेके आएंगे, तो दिखाते हैं आपको भी, बने रहे हमारे साथ, तो चलो चलते हैं। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। देख गए थे गाड़ी पार्किंग करने, तो गाड़ी पार्क करके आ गए, बैग लेके आ गए, जो कि हम लोग पहुँच गए हैं विशाल मेगा मार्ट में, और यहाँ पे थोड़ी बहुत बेचारी देखें क्या लेना होगा आज, बाकी इस टाइम तो भीड़ भी कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। ये देखिए कुर्तियाँ लगी हुई है प्यारी प्यारी, पर मैं क्या करूँ, मेरे तो साइज ही नहीं आता ना, पतले लोगों का यही तो प्रॉब्लम होता है, सारे साइज बड़े बड़े आते हैं खुले खुले से, यानी यानी
कैसे लग रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं सीधा ऊपर सेकंड फ्लोर पे, जो कि नीचे तो कपड़े वगैरह लगे हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, और सेकंड फ्लोर में हमारा काम नहीं है, सीधा ऊपर जा रहे हैं। यहाँ भी नहीं है काम, सीधे ऊपर थर्ड फ्लोर पे खरीदारी, वहाँ घर का सामान मिलता है ना। तो ऊपर आते ही सबसे पहले यहाँ पे देखी जा रही है बोतल अपने लिए, वो भी तांबे की है, 600 की। हाँ तो इतने की तो है, ले लो, बड़ी भी है सर, साइज छोटा ही है। तो हम लोगों की ख़रीदारी हो चुकी है, ये देखिए इतना सारा सामान, ये लंच बॉक्स यहाँ पे देखा जा रहा है, ऐसे वाले हैं तो है तो जो जिसमें आ दिया था पीरे को, पीरे के लिए देख रहे ना लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स है। चलो उसके बाद नंबर आ रहा है यहाँ पे कॉलगेट डबल रेड टूथपेस्ट, तो हम यही वाला यूज करते हैं, ले लिया बड़ा वाला। हम लोग जा रहे हैं बिल करवाने, क्योंकि बिल में भी बहुत लंबी लाइन लगी होगी, बिल करवाते हैं चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं साथ मेरे माँ से, बाकी आप जा रहे हो आटा लेने, क्योंकि गेहूँ दे थे कल पिसवाने के लिए, आप नहीं जा रहे हैं, फिर पापा गए आटा लेने। तो फिर ये जो है तो घर से कुछ खाने के लिए पड़ेगा। दोस्तों फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और दिखाते हैं आप लोगों के हमने क्या क्या सामान लाया है, आपको भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो ये रहते रहे मोमोज, पता नहीं कितनी बार फोन किया था इसने कि मम्मी कुछ खाने के लिए ले आना, ले ये तो रहते मोमोज। बाकी दिखाते हैं चिल्ला, टूथब्रश, जैम, हैंड वॉश, फिनाइल, और ये रहे हमारे चाय कप, कॉलगेट, और साथ ही पानी पी रहा है, पहले पानी पी लूँ। तो पानी पी लिया है, और ये रहा अचार, जो कि इस बार घर में ना हमने आम तो लाया नहीं, तो आम का अचार बना नहीं, इसलिए मैं भी साफ ले आई मिक्स अचार, और इसमें भी है। हाँ फिर इसके पापड़ लाए थे अपने लिए पानी की बोतल तांबे वाली, केचप, टमाटो सॉस, ये क्या है ऑयल पेपर को फिर उसको सब्जी मैश करने का, जैसे छोले वगैरह बनाते हैं मैश करने का, और ये रहा फेस वॉश। तो अभी साथ से हम आ चुके हैं, अब जाते हैं सब्जी मंडी सब्जी लेने, क्योंकि अभी सब्जी भी लानी है, घर का सामान आई पाई सारा, तो अब सब्जी मंडी चलते हैं। उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।